Assalamualaikum, this is Luqman Olak and आज का जो हमारा सेशन है वो है सेल वेलोसिटी सस्पेंशन में. सेल वेलोसिटी क्या है कि आप अमेज़न पे जो सेल करें उसकी वेलोसिटी है, उसकी स्पीड क्या है. अमेज़न पे आप उस पर कोई सेलिंग नंबर नहीं है, आप जितना मर्जी चाहें उतना बेच सकते हैं. लेकिन ये कि अगर आप नॉर्मल आप एक मंथ में 100 या 200 सेल हो रही हैं आपकी और थर्ड मंथ में सडनली क्या हुआ है कि आपकी 600 या 700 पे चली गई हैं, तो अमेजोन का जो सिस्टम है वो इस चीज़ को ट्रिगर करता है. वो अमेजोन को बताता है कि नहीं, इस पर्सन की सेल्स बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई हैं. तो उसके लिए फिर वो क्या करते हैं, वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं. वो कहते हैं हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि हम ये देख लें कि आप बिल्कुल वैलिड बिजनेस कर रहे हैं, लेजिट बिजनेस कर रहे हैं, आपके अकाउंट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही. ठीक है, तो मैक्सिमम जो टाइम ये लेता है रेवी 30 डेज लेता है मैक्सिमम अगर जाएगा, तो उसके बाद याद होता है कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है. अगर अमेजोन को ऐसा लगता है कि आप ऑनलाइन एक्टिविटी में एंगेज हैं तो ठीक है, तो इस तरह का नोटिफिकेशन अमेजोन आपको भेजते हैं और बताता है कि मैं आपके अकाउंट को रिव्यू कर रहा हूँ, अकाउंट आपके ट्रांसफर नहीं होंगे. ठीक है, क्यों हुआ है कि आपका जो करंट सेल वाली है मैं वो आपके बायर फीडबैक को मैच नहीं कर रहा. ठीक है, आपके फीडबैक कम है और आपकी सेल्स ज़्यादा है, ये हो गया था. ठीक है, क्योंकि इसमें फीडबैक भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक भी आपको पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए. तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं इसको स्पीड अप रिव्यू करूँ तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके एंड से चाहिए. फर्स्ट इज़ योर टाइम इन बिजनेस, आपको इस बिजनेस में कितना टाइम हो गया, इस अकाउंट पे मंथली सेल क्या है आपके. ठीक है, अगर यही आइटम यही प्रोडक्ट्स क्या आप किसी दूसरे ऑनलाइन या फिजिकल स्टोर पर बेच रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो उसका लोकेशन या उसका वो लिंक प्रोवाइड कर दूँगा. फोर्थ, जो ऑर्डर आपने लास्ट 30 डेज या लास्ट 90 डेज के अंदर शिप किए हैं उनकी ट्रैकिंग आईडी मुझे प्रोवाइड करें. फिफ्थ, आपका GST नंबर, वैट आईडी या टैक्स आईडी या टैक्स नंबर मुझे प्रोवाइड कर देना. ठीक है, मुझे आपके अकाउंट कुछ डिटेल को वेरीफाई करना. तो क्या होता है कि अगर आपने ये अपील की और ये सब कुछ सबमिट किधर करना है, सब इन्फॉर्मेशन आपने आपने आपको मेल दी होगी, उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें सबमिट करनी है. आपने वो मेल ईमेल है जिसमें सेलर सेंटर क्रिएट किया था. अगर ऐसा है कि आपकी अपील हो जाती है रिजेक्ट, तो नेक्स्ट क्या होता है, इस तरह का नोटिफिकेशन आपको अकाउंट के अंदर मिलता है. आपकी उस इन्फॉर्मेशन को अमेज़न वेरीफाई नहीं कर पाते, तो वो बताते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी हम उसको वेरीफाई नहीं कर पाए या वो इनफ नहीं है अकाउंट को रिकवर करने के लिए, तो हमें मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए. फिर वो आपसे बेसिक 5 क्वेश्चन करेंगे. फर्स्ट ये है कि ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ जो लास्ट 30 डेज की आपने ट्रैकिंग आईडी जो ऑर्डर फुलफिल की है उसकी ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड कर दें. ठीक है, और उनका एविडेंस ऑफ फुलफिलमेंट, जो ऑर्डर आपने फुलफिल किया उनका फुलफिलमेंट प्रूफ वो हमें प्रोवाइड कर दें. ठीक है, उसके अलावा यही आइटम किसी ऑनलाइन या फिजिकल स्टोर पे बेच रहे हैं तो वो भी प्रोवाइड करें. ठीक है, फोर्थ ये कि बिजनेस आइडेंटिफिकेशन के लिए मुझे आपसे आपकी बिजनेस वेबसाइट, उसकी ईमेल, बैंकिंग इंफॉर्मेशन एंड बिजनेस लाइसेंस, ये 4 चीज़ें सर चाहिए, वो भी आपने उनको प्रोवाइड करनी है. एंड फिफ्थ पॉइंट के अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ ऑर्डर डिले में गए, ठीक है, तो हमें बताएं कि उस डिले की रीज़न क्या था. ये चीज़ें आपने इसकी एक अपील बनानी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ. ये सारी चीज़ें आपने वहाँ ऐड करके उसी ईमेल पे अगेन रीसबमिट कर देनी. ठीक है, इसके प्लान ऑफ एक्शन को डिस्कस कर लेते हैं. जिस अपील को टीम को अपील लिखनी है उसका नाम लिखे, उसके बाद मैं बताएं कि मैं इस अकाउंट का ओनर और मैं ये अपील इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरा अकाउंट अंडर रिव्यू है या आपका अकाउंट मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट है, क्योंकि उसके बाद डीएक्टिवेट भी हो जाता है. तो अमेजोन ने मुझे बोला कि अगर आप स्पीड अप रिव्यू चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ. सबसे पहले बिजनेस को कितना टाइम हो गया, उस वक्त मंथली सेल क्या है, जो भी आपका एड्रेस होगा वो प्रोवाइड करें. ठीक है, उसके बाद ये ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन और वीट वैट आई डी टैक्स आई डी अकाउंट नंबर जो भी होगा वो सब कुछ आपने अपने अपील के अंदर प्रोवाइड करना है. और मैं वो सिसरी को पुलिस स्टोर में परफॉर्मेंस टीम एंड रिक्वेस्ट ऑफ बुक डिस्कवर सर्विस सेंटर, हम मेक श्योर करते हैं इन फ्यूचर हमारे अकाउंट के अंदर कोई इस तरह का इशू नहीं आएगा. आपको थैंक यू लिखना है और जो आपका स्टोर में होना. अच्छा, इस सस्पेंशन के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ. ये है कि इसमें कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भी आप ऐसा करें कि इसको कुछ ना करें, जब सस्पेंशन आती है इसको छोड़ दें, ये 30 डेज के बाद खुद ब खुद हो जाएगा, तो इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं, इस तरह का इसका सलूशन नहीं.
उसी रीजन है ये लोग इसलिए ये चीज़ बोलते हैं कि 30 डेज का मैक्सिमम टाइम उसको अमेजोन रेव्यू रखते हैं, रखा हुआ। अगर ऐसा है कि आप ये सस्पेंशन आ गई, अब आपको पता है कि यार कुछ ट्रैकिंग आईडी मैंने फेक दी थी या कोई प्रॉब्लम मेरे अकाउंट के अंदर है, तो आपको चाहिए कि आप इसको अपील प्रोवाइड करो, अपील सबमिट करो, उन्हें एक्सप्लेन करो कि ये देखिए मेरे अकाउंट के अंदर ये कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये क्यों आई है ये उन्हें बता दो। क्योंकि क्या होगा अगर आप ये चीज़ें नहीं बताएंगे, उन्हें कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा, तो 30 डेज के बाद उसको सस्पेंड कर देंगे, आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देंगे। तो आप पहले 30 डेज वेट करोगे, फिर उसको रिएक्टिव करवाने के लिए वेट करोगे, तो बेहतर यही है कि आप जैसे अकाउंट में ये प्रॉब्लम आती है आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो।
Thank you.